हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, ईएसआई के जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्हें अपने नर्सिंग ऑफिसर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस का इंतज़ार है, उनकी अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया का इंतज़ार है, तो फाइनली दोस्तों यहां पर ईएसआई की तरफ से आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस निकल कर आ रही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर ईएसआई के तरफ से जो डेफ है वो अगर यहाँ पर जो है दूसरे भर्तियों का नहीं कराया गया होता, तो अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की वो यहाँ पर जारी कर दी जाती। दोस्तों, डेफ यहाँ पर कब तक भराए जाएंगे, उसे के यहाँ पर जो है आखिर ईएसआई कैंडिडेट द्वारा डेफ क्यों भराया जाता है, इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस से फिर लिस्ट क्यों निकाली जाती है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी, कितने समय तक चलेगी, या इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से आप सभी के डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्या आप सभी के स्टेट या सेंट्रल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कब तक अपडेट होने चाहिए, ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ दोस्तों, जिसका लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन में मिल जाएगा जैसे ही इसकी डेफ स्टार्ट होती है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे पहले यहाँ पर जो है आप सभी के 27 से 28 अगस्त को यहाँ पर जो है ईएसआई के द्वारा यहाँ पर डेफ भराने थे नर्सिंग ऑफिसर के। पर दोस्तों, कई सारी भर्तियाँ जो है पिछले प्रक्रियाओं से जो यहाँ पर जो है पहले ईएसआई से जारी की गई थी, नर्सिंग ऑफिसर से जारी की गई थी, जिनकी डेफ अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई थी, और ईएसआई के कर्मचारियों द्वारा डेफ उन भर्तियों की पहले कराई गई जो भर्तियाँ पहले निकाली गई थी, और उसके बाद जो है ईएसआई की जो है नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है 1930 पदों पर उनकी डेफ कराई जाएगी। तो यानी कि दोस्तों, जो डेफ की मीडिया रिपोर्ट हाउस के अनुसार जो अपडेट निकल कर आ रही है, जो साथ ही यहाँ पर जो है उम्मीदवारों के पोलिंग के अनुसार जो निकल कर आ रही है, उसमें यही बताया जा रहा है कि सितंबर तक जो है यहाँ पर जो है ईएसआई इसकी डेफ जो है फॉर्म फिल करा लेगा, यानी कि डेफ को फिल कर लेगा, फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरा करेगा। तो यानी कि दोस्तों, सितंबर में के महीने में किसी भी समय, यानी कि दोस्तों यह कहना बिल्कुल ही यहाँ पर टफ होगा, क्योंकि ईएसआई इस बार काफ़ी डिले हो चुका है इस बार को लेकर, और इस बार जो है सितंबर के लास्ट तक जो है यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि जो है ईएसआई जो है नर्सिंग ऑफिसर की जो है डेफ को यहाँ पर भराएगा, उसके बाद आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को यहाँ पर पूरा करेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट जो उम्मीदवारों के सबसे ज़्यादा नीड है, सबसे पहला दोस्तों नीड है उन सभी के डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जरूरी है कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास है, आपने बनवाया हुआ है, अगर नहीं बनवाया हुआ है तो आप सभी के साथ यहाँ पर जो है 10th के मार्कशीट के साथ ही आप सभी के डेट ऑफ बर्थ की भी जो यह समस्या है वो यहाँ पर दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जो आप सभी के 10th के सर्टिफिकेट के माध्यम से हो जाएगी। साथ ही दोस्तों 12th का सर्टिफिकेट आप सभी को चाहिए, साथ ही जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए जिस पोस्ट के लिए, यानी कि जो आप सभी के लिए हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी या यहाँ पर जो है बीएससी किए हुए या जीएनएम किए हुए हैं, तो उसकी सर्टिफिकेट आप सभी को होनी चाहिए। साथ ही आप सभी के यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं स्टेट या नर्सिंग से, यहाँ स्टेट या आप सभी के सेंट्रल से, उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही दोस्तों तीसरा चीज़, आप सभी को डोमिसाइल चाहिए, क्योंकि दोस्तों डोमिसाइल अगर नहीं अगर होती है तो आप सभी को काफ़ी समस्या अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में आएगी। फिर उसके बाद सभी को ओबीसी एनसीएल को और एससी एसटी कैंडिडेट को, अगर उनके पास दोस्तों सर्टिफिकेट नहीं है कैटेगरी वाइज, तो उन उम्मीदवारों को जनरल में यहाँ पर काउंट कर लिया जाएगा। इसलिए आप सभी के जितने भी यहाँ पर जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल ही जरूर चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप सभी का होना चाहिए, और साथ ही दोस्तों जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो आपको कम से कम यहाँ पर जो है 3 महीने या 4 महीने से ज़्यादा यहाँ पर जो है ओल्ड पुराने नहीं होने चाहिए। इसलिए दोस्तों अभी भी टाइम है, आप जो है अपनी जो है डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लें। साथ ही आप सभी को यहाँ पर जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर वो भी आप सभी को मांगा जाएगा। साथ ही आप सभी के एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म फिल करते समय जो एप्लीकेशन पेपर मिला था आप सभी को प्रिंट आउट के रूप में, वो भी आप सभी को चाहिए। यानी कि दोस्तों इतने जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है,
साथ ही उसके साथ आप सभी के जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों में से आप सभी को यहाँ पर जो है लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो कॉपी भी आप सभी को लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 5-6 आप रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर मांगा जाएगा। सारे दोस्तों ESI के अंदर यहाँ पर जो है आप सभी के लिए यहाँ पर जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं माना जाता है। अगर दोस्तों आपने जहाँ से भी पासपोर्ट किया होगा तो आप सभी के सामने कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, तो उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को भी आप कैरी कर ले। अगर यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा कर्मचारी द्वारा मांगा जाता है तो आप दे सकते हैं, उसमें कोई डिले नहीं होगा। नहीं मांगेंगे तो दोस्तों आप लेकर अपने घर के आकर वापस भी रख सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट को ले लिया जाएगा। तो इन चीज़ों को दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतने डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा जो है अलर्ट हैं, और जैसे ही डैप इसकी भर जाएगी उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन कब कब की जो चाहिए वो चीज़ जो है आप सभी को फिर से एक बार जो है फाइनली अपडेट कर दिया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से पूरी होगी। तो दोस्तों डैप भराने के बाद 2 या 4 दिनों के बाद लिस्ट जारी होगी। लिस्ट जारी होने के बाद जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को यहाँ पर कराया जाएगा। ज्वाइनिंग की बात करें तो दोस्तों कम से कम डैप भराने के बाद या यहाँ पर जो है 3 महीने के अंदर उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दी जाती है। अगर आप इस तरह से माने तो दिसंबर तक यहाँ पर जो है उम्मीदवारों को, नर्सिंग ऑफिसर को यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग दिया जा सकता है, पर यह कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि डैप के लिए अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं अपडेट आ पाई है। तो जैसे ही उसकी लिस्ट जब तक नहीं आएगी दोस्तों डैप भराने के बाद, तब तक यहाँ पर यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि ESI नर्सिंग ऑफिसर के 1930 पदों पर जो उम्मीदवार चयनित किए गए हैं उनकी जो है ज्वाइनिंग कब तक कराई जाएगी। यानी कि डैप भराने के बाद लिस्ट आ जाती है, लिस्ट आने के बाद सारी डिटेल हो जाने के बाद आप सभी के सामने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर जो है ESI के नोटिस द्वारा अपडेट कर दी जाएगी। तो दोस्तों जितने भी उम्मीदवार को इंतजार था कि इसके लिए अपडेट चाहिए, लगातार उम्मीदवार कमेंट भी कर रहे थे क्योंकि रिजल्ट को लेकर हमने आप सभी को सटीक जानकारी दी थी और उसी समय तक आप सभी की जो प्रक्रिया वो जारी हुई। तो दोस्तों यहाँ पर भी पूरी अनुमानित है, जो भी एनालिसिस किए गए हैं इन लोग चीज़ों को लेकर किए गए हैं कि डैप बनाने के तक आप सभी के दिसंबर के तक है यहाँ पर जो है ESI द्वारा आप सभी की ज्वाइनिंग की प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास अभी तक के लिए अपडेट निकल कर आ रही थी जो आप सभी तक शेयर किया गया। हमारे पास इसके रिगार्डिंग और कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी तो आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों परिणामों निकलने के बाद लगातार उम्मीदवार कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ के लिए दोस्तों हमारी यहाँ पर जो है पूरे तरह से एनालिसिस चल रही है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप पोलिंग करिए। उसके बाद जितने भी उम्मीदवारों की कम से कम जो है आकृति आती है, कम से कम 10,000 से भी ऊपर प्लस होते हैं अपने कट ऑफ को लेकर, तो फाइनली आप सभी के सामने एक एग्जैक्टली कट ऑफ की जो है वीडियो भी वो भी आप सभी को दे दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, साथ ही यहाँ पर जो है डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। तो अभी तक लिए अपडेट थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर किया गया। इसके रिगार्डिंग अगर कोई और लेटेस्ट अपडेट आएगी तो उसके लिए भी आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब दोस्तों जय हिंद।